स्वागत है। मैं हूँ धर्मराज डाबला। हम इस वक्त खड़े हैं रतलाम जिले के धराड़ गांव में परमारकालीन महाकाल मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही पुराना है। यहाँ पे रतलाम ही नहीं बल्कि उज्जैन, देवास, इंदौर से इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर सावन माह के पावन पर्व पर ऐतिहासिक 2121 कलश यात्रा के साथ बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जाएगी। और यहाँ पर सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं धराड़ महाकाल मंदिर से सीधी लाइन। यहाँ पे पंडित जी से जानेंगे हम यहाँ की इतिहास के बारे में, ये मंदिर कैसे बना था और कब कौन से राजा ने इसको बनाया था। पंडित जी आपका नाम बताइए। मैं कैलाश चंद भट्ट धराड़ ग्राम धराड़ का ही रहने वाला हूँ, स्थानीय ब्राह्मण हूँ। मैं लगभग 15 वर्ष से यहाँ पे रुद्राभिषेक कराता हूँ। ये परमारकालीन प्राचीन स्मारक मंदिर है, बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है, पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहाँ पर कई दूर दराज से दर्शनार्थी आते हैं और अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं। यहाँ पर रुद्राभिषेक सावन मास के हर सोमवार में होता है। कई भक्त सज्जन यहाँ पर पधारते हैं और दूध दही शक्कर सादगी के द्वारा रुद्राभिषेक होता है। यहाँ पर कई भक्तों का तांता लगा रहता है और सभी की अपनी की मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठीक है, धन्यवाद आपका। इनके प्रथम सोमवार होने के कारण ही यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। महिलाएं जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पर हालांकि अभी इस वक्त भीड़ कम हो गई है, लेकिन सुबह 4 बजे से यहाँ पर भीड़ अत्यधिक थी। पंडितों के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना जलाभिषेक कराया जा रहा है।